मैं हूँ कनिका शर्मा और मैं हूँ सईद शाही। पेश आज के कुछ स्पेशल सेगमेंट्स। देश भर में मनाई जा रही है शिवरात्रि। पूरे साल शिव भक्त इंतजार करते हैं शिवरात्रि का। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने मां पार्वती के साथ विवाह किया था। इसके बारे में और जानने के लिए आइए सीधा चलते हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदिति, जो इस वक्त दिल्ली के शिव मंदिर में मौजूद है। जी कनिका, मैं खड़ी हूँ इस वक्त महावीर जी मंदिर जी के वाले। ये मंदिर बहुत ही बड़ा और यहाँ उतनी ही ज़्यादा भीड़ भी नहीं जा रही। यहाँ पर भक्त अपने साथ दूध, दही, बेलपत्र, फूल आदि ला रहे हैं शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। शिवाय ओम नमः शिवाय। सुबह से यहाँ मौजूद है जी भैया, कितने बजे ये मंदिर खुलता है? ये 5:30 बजे मंदिर खुलता है। कितनी सेल आपकी इन फूलों की आज हो रही है? 10,000 रुपये रोज कितनी हो पाती है? 2,800 रुपये। तो आज तो आपकी चांदी हो गई जी, तो भगवान की कुदरत है। आप यहाँ मंदिर में किस तरह आपकी पूजा होती है? शिवजी को पानी चढ़ा के अक्षमाला वन माला मुंड माला धारी स्वामी मुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शशि देखिए। आज के दिन जो शिवरात्रि है उसका पावन बड़ा पर्व महत्व है कि आज ही के दिन श्री शंकर जी का जन्म हुआ था। शिव महापुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ने लगे इस बात को लेके कि कौन श्रेष्ठ है, तभी वहाँ एक दिव्य प्रकाश पुंज उदय हुआ जिनको हम लिंग के रूप में जानते हैं। व्याकरण के हिसाब से लीनम अर्थात गमय, वह रास्ता जो भगवान को प्राप्त करा दे वही शिव है। शिव का मतलब कल्याण है। आज के दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ और आज ही के दिन शिव जी का विवाह हुआ, इसीलिए आज की महाशिवरात्रि पर अत्यंत पूजनीय है हम वैष्णव। ये थे हमारे साथ पंडित जी जिन्होंने बताया महाशिवरात्रि का महत्व इस साल और किस तरह करनी चाहिए पूजा। हर हर महादेव। महादेव हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ अदिति। बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ बढ़ रही है दिल्ली में भिखारियों की तादाद भी। दिल्ली में 60,000 के करीब भिखारी मौजूद है। स्पेशल रिपोर्ट के लिए चलते हैं नरेश चौधरी के पास। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10,00,000 देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10,00,000 देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दिल्ली में भिखारियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में लगभग 60,000 के आसपास भिखारी हैं। ये लोग अक्सर सिनेमा हॉल्स, सिग्नल्स, मार्केट्स, मंदिरों के पास खड़े होते हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, उनका इस समस्या के बारे में क्या कहना है। ये आप इन भिखारियों की बढ़ती हुई संख्या का उनका क्या कहना है, दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
ये मुझे तो कुछ षड्यंत्र लगता है कि कोई इससे कोई कमा तो नहीं रहा है, कहीं से कोई ऐसा तो नहीं कि भिखारियों को इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा कर रहा है। मेरा यही फीलिंग है, ये है कि उनके भी जो बेसिक नीड नहीं है तभी वो लोग आ रहे हैं। महंगाई है मेन रीजन। तो आपको नहीं लगता कि भिखारियों के पीछे किसी का हाथ हो सकता है? वो भी हो सकता है। मतलब ऐसा देखिए, हमारा कोई अपना जो न्यूज़ के थ्रू या जो टीवी के थ्रू ही हमें लगता है, बाकी ऐसा सच हमने देखे भी नहीं ऐसे गैंग है। वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा ही, या लोग जो ये वोटिंग के टाइम पे इनको यूटिलाइज करते हैं, दैट माइट बी द रीज़न। जैसा कि आपने देखा, कुछ लोगों का कहना है कि इनके पीछे किसी की साजिश हो सकती है, किसी इसके पीछे किसी गैंग का भी हाथ हो सकता है, और कुछ का कहना है कि इनकी अपनी आवश्यकता होती है इसीलिए भी मांगते हैं। कैमरामैन ज्यादा साहिद के साथ नरेश चौधरी, टेक वन। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए टेक वन के साथ। मैं कनिका शर्मा और मैं सैयद शाहिद लेते हैं आपसे इजाजत। देखते रहिए टेक वन न्यूज़।